राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या जी, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्षा शिक्षा संकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश से। आज हमारी चर्चा का विषय है बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन। बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाएँ, जिसके अंतर्गत लॉइस वाइट कैडवेल ने कहा, बच्चे मजबूत, अमीर और सक्षम हैं। सभी बच्चों की तैयारी, क्षमता, जिज्ञासा और उनकी शिक्षा के निर्माण में रुचि है। उनके पर्यावरण को उनके द्वारा लाए जाने वाले हर चीज़ के साथ बातचीत करना, अर्थात हम बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करें जिससे कि वो खेल खेल में चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। बाल केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में बात करने पर हमें पता चलता है कि शिक्षक बच्चों को सुरक्षित और चुनौती देता है अपने स्वयं के समाधान एक साथ और व्यक्तिगत रूप से विकसित करने के लिए। यह एक सम्मानजनक तरीका है। बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत जीवन कौशल का विकास होता है और इस बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत विश्लेषण शक्ति, खुद को व्यवस्थित करने की उनकी क्षमता बच्चे खुद महसूस करते हैं। विद्यालय में सुरक्षित, प्रोत्साहित, खुश, सशक्त और अधिक मज़ेदार वातावरण इस बाल केंद्रित दृष्टिकोण के द्वारा पैदा होता है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण रखने से बच्चों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ड्रॉप आउट दरों में भी और गिरावट आई है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। और ये बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित हम तब कर सकते हैं जबकि हम ऐसे शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चे एक आरामदायक वातावरण में अपनी रुचि के अनुसार सीखें। जैसे शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र सक्रिय रहते हैं और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। शिक्षक का उद्देश्य बालक को अधिक से अधिक सिखाना होता है। वह बालक को शिक्षण के द्वारा सिखाता है। शिक्षक बालक को नवीन तथ्यों की सूचना देते हैं। छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्व अनुभव, दक्षताओं के साथ में विभिन्न प्रविधियों, विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है और शिक्षक लगातार बच्चों को सक्रिय रखने का प्रयास करता है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाओं के कई उद्देश्य हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करते हैं। कक्षा में बच्चों को स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, रुचिपूर्ण शिक्षण के द्वारा खेल खेल में बाल केंद्रित शिक्षण प्रदान करना। बच्चे कक्षा में स्वयं करके सीखें और बच्चे रुचि के साथ में सीखें और बच्चे सक्रिय रहें, ये सभी बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाओं के उद्देश्य हैं। अगर हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, तब हमें पता चलता है कि शिक्षक बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, बच्चों को सिखाने में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं, खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देते हैं, बार बार अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हैं, बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं, इससे बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, बच्चों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थात घुमा फिराकर जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह बालक केंद्रित है, जिसमें कि बच्चा सक्रिय रहकर अपनी कठिनाइयों को दूर करते हुए बार बार अभ्यास के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को बार बार अभिव्यक्त करके और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका है, जैसा कि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षक एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, उसका एक मुख्य कार्य ये भी है कि शिक्षक बालक का सहयोगी है, सेवक है तथा मार्गदर्शक है। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मालिक के सदस्य
पौधों के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करते हैं। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। बाल केंद्रित क्रियाओं को हम कई शिक्षण की विधियों के द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसमें एक विधि है जो शिक्षण का तरीका है, उसे हम क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो मुख्य कार्य है छात्र का, कि छात्र की क्रिया कैसी हो, अर्थात जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसके पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो छात्र की क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी आपकी मानसिक। और जो आत्मक्रिया है, आत्माभिव्यक्ति है, वो भी जो हमारा क्रिया और गति आधारित शिक्षण है उसके प्रमुख अंग माने जाते हैं। सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन तथा मनोयोग से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं, गतिविधि कहलाती है। गतिविधि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसमें रुचि लें। गतिविधि से अर्थ यह निकला कि गतिविधि वह क्रिया जिसमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन के साथ में सक्रिय रहकर कार्य करते हैं और किसी भी कार्य को करना सीख जाते हैं, वह गतिविधि कहलाती है। जो गतिविधियां हैं उनको भी हम श्रेणीकृत कर सकते हैं, जैसे शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक एवं मानसिक दोनों। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं शारीरिक गतिविधि को। जैसे इसके उदाहरण हो सकते हैं कदम ताल, पीटी, हाथ ऊपर नीचे करना, उछल कूद करना आदि। जबकि मानसिक गतिविधि के अंतर्गत चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, वर्ग पहेली, पहेली पूछना, लेखन करना, भाषण देना आदि जैसी गतिविधियां आती हैं। जबकि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, जैसे पशु अथवा पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना, वर्ग कूद, अक्षर कूद आदि। ऐसे उदाहरण हैं जो कि जिसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अब हम बात करेंगे शारीरिक गतिविधि के आधार पर उदाहरण की। जैसे इसका उदाहरण है एक छोटी सी कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ कराकर, जैसे ताली दो भाई ताली दो, ताली दो भाई ताली दो, आगे ताली दो, पीछे पीछे ताली दो, बाएं बाएं ताली दो, दाएं दाएं ताली दो, ऊपर ऊपर ताली दो और नीचे नीचे ताली दो। ऐसे ही मानसिक गतिविधि का उदाहरण हो सकता है, हम अपने प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घरों के अंदर, बाज़ार में, स्कूल में, मंदिरों में सीढ़ियां चढ़ते हैं। लेकिन जब सीढ़ियां हम चढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सीढ़ियां कितनी हैं, नीचे कितनी हैं या ऊपर कितनी हैं, ये सीढ़ियों की संख्या ज़्यादा है या सीढ़ियों की संख्या कम है। और इन सीढ़ियों के चढ़ने उतरने की क्रिया के द्वारा हम क्या क्या सीख रहे हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते हैं। ऐसी गतिविधि जो कि शारीरिक भी हो और मानसिक भी हो, इनके भी कई उदाहरण हैं। जैसे बच्चों के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं चिड़िया उड़, चिड़िया फुर, कौवा फुर, बिल्ली फुर, अर्थात उड़ने वाले और न उड़ने वाले पशु पक्षियों की जानकारी बच्चों को देना। कक्षा को रोचक बनाकर रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण करने की विधा से हम परिचित करा सकते हैं इस गतिविधि के द्वारा। गतिविधि आधारित जो शिक्षण है उसमें जो अभी हम लोगों ने उदाहरण दिए, जो पहली गतिविधि थी वो शारीरिक थी, दूसरा जो उदाहरण था वो शारीरिक और मानसिक दोनों था, और तीसरा जो था वो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का विकास था। इस प्रकार के जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा बच्चे अलग अलग चीज़ों को सीख सकते हैं, और इसके द्वारा बच्चों में शारीरिक क्षमता का विकास होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे का ज्ञान होता है, दिशाओं का ज्ञान होता है जैसे कि दाएं बाएं का ज्ञान, और गिनती के बढ़ते और उतरते क्रम का ज्ञान होता है, जोड़ और घटाने का ज्ञान होता है, और सक्रियता का विकास होता है। अर्थात जो गतिविधियाँ हैं शारीरिक, मानसिक
और तुरंत निर्णय लेने वाली क्षमता का विकास करने वाली। इसके द्वारा बच्चे अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। गतिविधि बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होती है। बच्चों को केवल शारीरिक उछल कूद में ही नहीं, बल्कि हमें उनका मानसिक अभ्यास भी कराना है। गतिविधियों के नियम लचीले होने चाहिए और आवश्यकता अनुसार उन्हें बदलना भी आना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गतिविधियाँ ऐसी हों जिनके नियम लचीले हों, जिनको कि हम आवश्यकता अनुसार बदल भी सकें। तो ऐसी गतिविधियाँ हमें लगातार कक्षाओं में कराते रहना चाहिए। जो गतिविधि आधारित शिक्षण हैं, उसमें ज़्यादातर शिक्षक क्या करते हैं कि तीन प्रकार की गतिविधियाँ जैसे हमने कराई, तो उसमें क्या हुआ कि एक गतिविधि हो गई ज्ञान प्राप्त करने वाली, दूसरी हो गई ज्ञान व्यक्त करने वाली, और तीसरी हो गई अनुभव करने वाली। इससे हुआ क्या, इसका जो असर हुआ उससे जो कक्षा का वातावरण था वो रुचिपूर्वक बना, और बच्चों में के अंदर जो है वो एक सहजता और सृजनता जैसी जो चीज़ है उसका जो है वो बढ़ावा उसको मिल रहा है। और ये जो गतिविधियाँ होती हैं वो लिखित भी हो सकती हैं, मौखिक भी हो सकती हैं, और सामूहिक भी हो सकती हैं, और ये सामग्री के साथ और बिना सामग्री के बिना भी इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अभिनय, कहानी, नाटक, कविता, हाव भाव, भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट आदि जैसी जो गतिविधियाँ हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अभी तक हम लोगों ने बात की कि गतिविधि आधारित जो शिक्षण है, अगर हम उसको बच्चों के ऊपर लागू करेंगे तो उनकी जो क्रियाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखेंगे। ऐसा ही एक दूसरा तरीका है इसका, जिसे कि हम रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर बालक को प्रत्यक्ष ढंग से कुछ नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, उसे स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि जो हमारा विद्यालय का वातावरण है वो घर के वातावरण से थोड़ा अलग होता है और अधिक रुचिकर और प्रभावकारी होता है। जो हमारा रुचिपूर्ण शिक्षण है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले हम शिक्षण को कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक ऐसी विधा है जो बालक की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की जाती है। और प्रत्येक बालक की एक रुचि नहीं होती, प्रत्येक बालक की अलग अलग अपनी रुचियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है, उसकी पढ़ने में रुचि है, दूसरे बच्चे की खेलने में रुचि है, और तीसरे की संगीत सुनने में रुचि है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो तीन बच्चे हमारे सामने हैं और तीनों ही जो बच्चे हैं उनका अपनी अलग अलग रुचियाँ हैं। सामान्यतः रुचि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर कोई वस्तु अच्छी या ख़राब लगती है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल स्थूल पदार्थों, चित्रों, चार्टों, मॉडल आदि का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते समय इन सब चीज़ों का समय समय पर उपयोग भी करना चाहिए। रुचिपूर्ण शिक्षण को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि रुचिपूर्ण शिक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम और सुविचारित रणनीति है। यह बालकों को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, जिसमें बालकों को आनंदित करने वाले क्रियाकलाप एवं विद्यालय में छात्र के प्रति शिक्षक का मित्रवत एवं आत्मीय व्यवहार होता है। इसे हम गीतों, कहानियों तथा खेलों के द्वारा सरल गतिविधि प्रधान बना सकते हैं, और रुचिपूर्ण शिक्षण भी बाल केंद्रित शिक्षण है। और इसके भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि गीत, कविता, कहानी चित्रण, खेल, अभिनय, नाटक, भ्रमण और निरीक्षण। इसके प्रति भी हम, इन सभी उदाहरणों के प्रति हम बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। और रुचिपूर्ण शिक्षण में बालक क्रियाशील रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उनकी जो जिज्ञासा है और कल्पनाशीलता है उसको बढ़ावा मिलता है। और रुचिपूर्ण शिक्षा में सभी क्रियाओं का समावेश होता है कि बच्चा क्रियाशील भी है, बच्चा कुछ सृजन भी करना चाह रहा है, बच्चा जिज्ञासु भी है, और बच्चा कल्पनाशील भी है। इसी प्रकार से एक तीसरी शिक्षण विधि हो सकती है, जो कि बालकों के अंदर उनकी जो बाल केंद्रित क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा दे सकती है, उसे हम सहभागी शिक्षण के नाम से जानते हैं।
सहभागी शिक्षण से तात्पर्य है जिसमें कि शिक्षक एवं छात्र की सहभागिता हो। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण तल्लीनता के साथ शिक्षण कार्य कर रहा है। वह छात्रों से प्रश्न पूछकर, श्यामपट पर कुछ लिखकर, पाठ को पढ़वाकर एवं प्रश्न पोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, अर्थात शिक्षक भी सक्रिय है और छात्र भी सक्रिय है। और शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उत्तर देता है, शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र उसका पालन करता है, शिक्षक पाठ को अच्छी तरह से समझाने के लिए कई गतिविधियों का इस्तेमाल करता है, जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर पर चित्रित चित्र, श्यामपट पर अभ्यास कार्य, नाटक मंचन आदि। ऐसे उदाहरणों से हम बच्चों के अंदर जो सहभागी शिक्षण है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी गतिविधियों के प्रति सक्रिय हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक चौथी शिक्षण विधि भी है जिसे हम दक्षता आधारित शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं, और यह दक्षता आधारित शिक्षण विधि भी विद्यार्थियों की क्रियाओं को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है। जो दक्षता आधारित शिक्षण विधि है उसमें बालक को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट दक्षताएं प्राप्त करनी है वो दक्षता आधारित शिक्षण के माध्यम से उसमें सन्निहित हो जाती हैं। और ये दक्षताएं भौतिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि छात्र को चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, कविता लेखन, गणितीय गणनाएँ, वाचन, भाषण, नृत्य तथा संगीत आदि में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, अथवा कंप्यूटर, बागवानी, डिजाइनिंग, भवन निर्माण, कारपेंट्री, टंकण तथा चित्रकला, आशुलिपि जैसे कार्यों में भी दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का युग है। और ऐसी जब दक्षताएं बालक हासिल करता है तब वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और किसी भी क्षेत्र को वो अपने लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। दक्षता आधारित शिक्षण विधि इन सभी क्रियाओं को बढ़ावा देने में अपनी एक भूमिका निभाती है। लेकिन दक्षता आधारित शिक्षण को लागू करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दक्षता का कार्यक्षेत्र विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल हो। अभ्यास कार्य के समय बालकों की थकान का विशेष ध्यान रखा जाए। छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों को जानकर उनमें दक्षता विकास हेतु प्रयास करने चाहिए। विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के लिए अभिप्रेरित करने की दक्षता को उनके तत्कालिक जीवन से संबंधित किया जाए। छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। दक्षता विकास हेतु छात्र तथा अध्यापकों को बड़े ही धैर्य के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी संप्राप्ति में समय काफ़ी लग जाता है। शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करते समय छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करके दक्षता हम बढ़ा सकते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा एवं शिक्षण का भी एकमात्र लक्ष्य यही है कि बालकों के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन परिलक्षित हों, और इसके लिए आवश्यक है कि हमारा पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, क्रियाकलाप, शिक्षण अधिगम सामग्री आज सभी बच्चों की रुचि, आयु और समझ के अनुरूप हों। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमें बाल केंद्रित शिक्षण को लागू करना चाहिए, और बाल केंद्रित शिक्षण को लागू करते समय हम कई अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गति आधारित शिक्षण, जैसे कि दक्षता आधारित शिक्षण, जैसे कि रुचि पूर्ण शिक्षण इत्यादि। ऐसी शिक्षण विधियों का अगर हम अपनी कक्षा कक्ष में इस्तेमाल करते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो जो बच्चों की जो बाल केंद्रित क्रियाएँ हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे बहुत कम समय में अपनी रुचि के अनुसार, अपनी गति के अनुसार चीज़ों को सीखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इस परिचर्चा से लाभ मिलेगा।
धन्यवाद।